सो गाइज हमको फंसे हुए अब लगभग 4 घंटे हो चुके हैं। 4 घंटे से हम लोग यहाँ हमता पास वैली में रुके हुए हैं और चारों तरफ आप देखो गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, क्योंकि गाड़ियों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, स्किड हुई पड़ी है। देखिए आप गाड़ी ये रोड से कैसे साइड में आई हुई है, गाड़ी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो पा रही है गाड़ियां मतलब गाड़ी को चलाना इतना ज्यादा डिफिकल्ट है यहाँ पर। अगर आप एक नॉर्मल ड्राइवर हैं जो प्लेन पर चलाते हैं तो भूल कर भी हिमाचल नहीं आए होगा, और स्पेशली जब स्नोफॉल हो रहा हो तो कभी भी मत आना। वो गाड़ियां यहाँ फंसी हुई हैं, आप देख सकते हैं एक जिप्सी फंसी हुई है, वो उसकी एक आल्टो है, आगे एक ऑल्टो क्योंकि छोटी गाड़ी है। सिमिलरली जो जिप्सी है वो भी वैसे तो यहाँ के लिए सुटेबल होती है, लेकिन यहाँ ये काम नहीं कर पा रही है क्योंकि स्नो बहुत ज्यादा हो चुका है, पूरी जो रोड है वो स्लिपरी हो चुकी है, यहाँ गाड़ियां चलाना बहुत भारी पड़ रहा है। और देखते हैं भगवान के भरोसे बस ठीक से पहुंच जाए। ये 3 गाड़ियां का नीचे एक साइड ना, फिर निकल मैं वो कह रहा था कि अगर आप अगर रस्सी बांधनी हो ना टायर्स पे आपको, तो टायर पे बांध लेना आप। तो गाइज हम लोग फंस चुके हैं इस बर्फबारी में, और यहाँ पर अब हमको गाड़ी को ड्राइव करना काफी डिफिकल्ट हो रहा है। आप देखो चारों तरफ स्नो स्नो है, और हमारे गाइड भैया गाड़ी की जो हवा है वो निकाल लें ताकि थोड़ा फ्लैट हो जाए टायर और चलने में कोई दिक्कत ना हो। और गाड़ी अब फंसी हुई है यहाँ। अब गाड़ी के ऊपर देखो कितनी बर्फ है, पूरी गाड़ी के ऊपर बर्फ ही बर्फ है। और ये देखो आशी तो अंदर परेशान है, और थोड़ा अब रिस्क आ गया है। रिस्क ये है कि इतनी ज्यादा स्नो है कि गाड़ियां चल नहीं पा रही है।